एक्चुअल और वर्चुअल रैली पर तेजस्वी का तंज, कहां नीतीश को विकास से सरोकार नहीं। आज जदयू द्वारा वर्चुअल रैली आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसे नीतीश का चुनावी शंखनाद भी कहा जा सकता है। इस रैली को जदयू ने सफलतम रैली माना है, वहीं राजद के नेताओं ने सुपर डुपर फ्लॉप करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार जी की वर्चुअल रैली है, आपको पता होगा 1 मार्च को नीतीश कुमार जी की एक्चुअल रैली भी हम लोगों ने देखा था, और उस रैली का क्या हश्र हुआ था, पूरे देश ने वो अपने आँखों से देखा था। पूरा सरकारी तंत्र लगा करके, हर एक चीज़ लगा करके भी रैली जो थी वो सुपर डुपर फ्लॉप रैली बिहार के इतिहास के पन्नों में वो दर्ज की गई। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के 15 वर्षों के शासन को रेखांकित करते हुए नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, वो राजद के लिए असहनीय पीड़ा समान है। लेकिन तेजस्वी ने उन सवालों को कुछ इस तरह खारिज कर दिया। कारखाना उद्योग जो है वो बिहार में नहीं लगा। गरीबी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में वो बिहार में है। लगभग 52% गरीबी बिहार में है, और लगभग बेरोजगारी दर जो है 46.6, यानी बिहार जो है देश का बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। पलायन लगभग 50% है, जो हर दूसरा परिवार जो है पलायन कर रहा है। तो ये आंकड़े हैं, आप देखिएगा नीति आयोग में सबसे, अगर उसके रिपोर्ट में अगर कोई सबसे फिसड्डी राज्य है तो बिहार है। बहरहाल चुनौती से भरा पूरा रहेगा चुनावी अखाड़ा। छन द्वंद तरंग से जनता का मनोरंजन भी होगा। जाति वर्ग और संप्रदाय के नाम पर फूट डालो और राज करो की नीति चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।